ऐसे ही किया है मैंने, 180 और 32 और 5 इस टू 3 के रेशियो में उसको डिवाइड किया है। है ना, 5 भी है, ये 180 का लेवल है, ठीक है, ये 5 है, ये 3 है, ये 210 का लेवल है, ठीक है। इस 210 हैज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड मींस कॉमन, पर ये 20 ना, तो 20 इंटू 3 हैज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8, ठीक है, 20 इंटू 3 हैज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8, तो कितना आएगा ये, तो इट विल बी 2.5 इंटू 3, 7.5, यहाँ से 7.5 ऑफ कर दो, 187.5 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस इज 210, हाउ मच मोर इट इज देन 187.50, 187.50, इजंट इट 22.5, ठीक है, तो इसके ऊपर ये कितना ज़्यादा है, 10%, तो 22.5 जो है इतना प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 187.50 के ऊपर, राइट, तो कितना होगा ये ऊपर का 18%, मतलब 10% से ज़्यादा ये होगा, 10% से तो ज़्यादा सब है, ठीक है, 10% के ऊपर कितना है ये, तो 19.25 प्लस 25, 3.75, राइट, तो 18 डबल, ठीक है, तो 12%, 12% विल बी द आंसर, 12% कैसे आया, कॉस्ट प्राइस तुम्हारे निकल गया ना, एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज प्राइस इज 18750, ठीक है, 187.50, यहाँ तक समझ में आया कॉस्ट प्राइस निकलने तक, कॉस्ट प्राइस निकलने तक समझ में आया, हाँ ठीक है, अभी हाँ ये नहीं आया, ठीक है, तुम लोगों को पता है ना ये जो है 5 यूनिट्स जो है वो 180 के हिसाब से है रेट, और 3 यूनिट का 200 है, तो 5 यूनिट जो है 180 का लेवल है, ठीक है, और ये 3, अभी समझ में आया कि 200 है, तो ये जो एडिशनल कितना है, ये 23 टाइम्स, दिस 20 इंटू 3 हैज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 5 प्लस 3, राइट, सो 8, सो 8 के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, 20 इंटू 3, सो 20 बाई 8 विल गिव यू 2.5, राइट, 2.5 इंटू 3 विल गिव यू 7.5, मीन्स इसकी वजह से ये 8.75 जो है वो ऊपर करना है इसको, इस लेवल को, इसको एज्यूम किया था हमने कि यही लेवल है, लेकिन ये इनकरेक्ट लेवल है, इसको इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मेरा जो नेक्स्ट जो एवरेज लेवल होगा विच विल बी लेवलिंग दिस, कि सो डैट दिस गैप शुड बी फिल्ड इन विद द एडिशनल दिस पोर्शन, ठीक है, तो ये लेवल जो है वो आएगा मेरा 187.5, एंड दिस इज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, तो मेरे हाथ में कैलकुलेशन कितना करना पड़ा, ओनली 20 into 3/8, राइट, दिस कैलकुलेशन इसकी वजह से मुझे ये मिल गया 187.5, ये कॉस्ट प्राइस है, अब कंपेयर करना है इस कॉस्ट प्राइस को ये सेलिंग प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस से, ठीक है, ये एक चीज है, कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी यहाँ पे, इसमें कितना मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज सेलिंग प्राइस 210 और ये 187.5 है, ठीक है, 187.5, ठीक है, 210, इसमें मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि इतना आ जाएगा, ठीक है,
ये कल बताया था हम तुम लोगों को ना, यदि ये कौन सा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि प्रॉफिट नहीं होता, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, तो मैं इसमें वन मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो वन से ज्यादा मल्टीप्लाई करना, कितना ज्यादा करना पड़ेगा, तो इट विल, इतना लाने के लिए मुझे 210 में ऊपर लिख दूं और नीचे ये 1875 लिख दूं, ठीक है। तो मुझे इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लायर जो फैक्टर है, वो मुझे क्या आया, 187.5, ठीक है। ये तो ये निकालने के लिए वन से कितना ज्यादा है, तो कैन आई राइट वन एंड इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, वन प्लस 22.5 डिवाइडेड बाई 187.5, कैन आई राइट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। मतलब ये कितना ज्यादा है, 210 187.5 से कितना ज्यादा है, इतना ही ये लिख दिया और ये वन, ठीक है। यहाँ पे वन क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया दो पार्ट में। लेट मी नेक्स्ट स्लाइड, अभी एक कैलकुलेशन है मुझे करना है, 210 डिवाइडेड बाय 187.5, कैन आई राइट 187.5 प्लस 222.5 डिवाइडेड बाय 187.5, कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस, 187.5 डिवाइडेड बाय 187.5 प्लस 22.5 बाय 187.5, कैन आई राइट लाइक दिस, हाँ, can I write like this 22.5 by 187.5, ठीक है, can I write like this, ठीक है। अब ये मुझे पता करना है कि ये कितना आएगा, तो यदि यहाँ पे 10% होता तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, 1.75 प्लस 0.75, can I write, divided by 187.5, मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1 प्लस 3.75 by 187.5, then can I write like this, 3.75 जो है इसको हाफ करके देखेंगे कितना आता है, ठीक है। और या फिर इसका 10% 18% आया था ना, 1% कितना है, 1875, ठीक है, 1.875, तो ये इसको डबल करके देखते हैं कितना आता है, 18 × 36, तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है, 2%, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.2, दिस विल गिव अस 1.12। तो मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे जो आएगा ये 1.12 आएगा। तो मैं 187.5 को 1.12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस में 1.12 से मल्टीप्लाई करके सेलिंग प्राइस आ रहा है, मतलब मेरा 12% है, सो कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने इतनी सारी चीजें की, क्या इतनी सारी चीजें एग्जाम में करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन हॉल में तुमको ये चीज नहीं करना है,
क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से पहले ये सब चीजें आदत डाल लेनी है, इस तरीके से देखने का। ठीक है, कोई भी चीज को परसेंटेज निकालना है मुझे 210 ये आदत मुझे बनानी है। ठीक है, चल तू मिल रहा है। इस कंप्यूटर ज़्यादा ही फॉलो नहीं कर रही है इस स्लाइड में। तो ये आदत मुझे पहले ही बना लेना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं? ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन अदरवाइज। क्या तुम लोग ऐसे करोगे 210 को डिवाइड करोगे 18750 से? हाँ, बुखार लग जाएगा इसको करने में, लगेगा कि नहीं लगेगा? बुखार आवाज नहीं आ रहा है? लग जाएगा ना बुखार। हाँ, हमको नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा, ये करने में नहीं लगेगा? इसीलिए चीजों को इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन को समझ में आया प्रिया? हाँ, ठीक है। तो विदाउट मच कैलकुलेशन बुखार नहीं लगेगा, प्रिया क्वेश्चन नहीं छोड़ देगी। नहीं छोड़ेगी प्रिया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये करो। ठीक है, समझ में आया? आगे मैं नहीं किया? हाँ, समझ में आ गया, बन भी गया। और कहीं से आंसर? आंसर बी। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। कोमल, स्टार्टेड कैसे आया? पहले जो टोटल सेल्स वैल्यू था वो कितना था? ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। सेल्स वैल्यू एक प्राइस है। ठीक है, नया वाला जो आएगा, नया उसका आएगा 25% डिक्रीज, 30% इंक्रीज। ठीक है, इट विल गिव अस हाउ मच? 0.75/4 लिख सकते हैं, 1.3/4। तो दिस इज लेस देन 1। ठीक है, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। तो यहाँ पे जो भी एक्स वाई में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा दैट इज लेस देन 1, इट मींस इंक्रीज वाला तो रूल आउट हो गया। ठीक है, और इंक्रीज वाला रूल आउट हो गया, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अब ये जो है इट विल बी लाइक कितना डिक्रीज? ये तो यहाँ से यहाँ बन जाता है। ठीक है, डिक्रीज कितना होगा? तो हम इसको 3.9 को 40 से भागा नहीं देंगे। ठीक है, हम किसको भागा देंगे? कितना डिक्रीज हुआ? 0.9
1/4 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है 1/40, 1/40 का मतलब नीचे को 100 के रूप में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी लाइक 2.5/100, सो इट इज लाइक 2.5%. आज थोड़ा और फास्ट बनाने का तरीका बताता हूँ. आंसर मुझे आ गया. गुड. और फास्ट क्या तरीका है, शुगर 20% इंक्रीज है, तो ये जो आएगा वो 20% इंक्रीज मतलब 1.25 कहने का मतलब ये 4 होगा 5 होगा, और ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई होना है, ये रेशियो जो 4:5 है ये 5:4 रेशियो होना चाहिए, ठीक है, उल्टा होगा. हम लोगों ने देखा है जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है एक्स वाई रहेगा, मतलब दोनों बराबर रहेगा जब भी, तो ये दोनों यहाँ पे जो रेशियो है जैसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो 4 से 5 पहुंचा, ये 5 से 4 पहुंचेगा, तो 5 से 4 पहुंचेगा मतलब कितना परसेंट डिक्रीज है, 1/5 मतलब 20%, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये जो दिमाग में ही ये सब कर लेना है, मतलब यहाँ तो अब दिमाग का चीज तुमको बताना है तो स्क्रीन पे तो डालना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये सब दिमाग में ही हो जाना चाहिए. 25% इंक्रीज है मतलब 4 से 5 चला गया, तो कंजम्पशन कितना होगा, 5 से 4 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके है जो दोनों केस में कंजम्पशन है जो कि नहीं चेंज होगा. गेन है, 15% गेन है किसके ऊपर, पार्टी ऊपर, तो मान लो 3 रुपीस इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 3 रुपीस जो है 1 रुपीस पे उसको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, और दूसरा जो है 5 रुपया वाले पे उसको 90 पैसा मिलेगा, राइट, 90 पैसा मिलेगा. तो ये लेवल है यहाँ से. Voice is not clear. Okay. फिगर देखो, फिगर दिख रहा है? हाँ. 0.25 यहाँ और यहाँ के बीच में गैप, ठीक है, ये कौन सा, ये तो 0.25 यहाँ से ऊपर करना, तो यहाँ से ऊपर करना है हमें, ये लेवल जो है 99 point something आएगा, ठीक है, तो एनी नंबर लास्ट परसेंटेज जो है इसको 100 से ऊपर करना है, ठीक है, 0.9 से कम जाएगा. आवाज क्लियर नहीं आ रहा. ओके, तो फोटो देखो सिर्फ, ठीक है, तो 0.03/8, तो ये 1 से कितना कम, 3 जो है 1 minus 99 0.03/8 जो भी 0.05,
ठीक है, फाइव बाई 8%। किसी को हार नहीं करना है कोमल? हाँ सर। आवाज पता चल रही है तुम्हें? हाँ। कट रहा है? हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा फिगर जो लिखता हूँ उस पर ध्यान दो, आवाज प्रॉब्लम तो कर रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक तो जूम यूज कर रहे हैं और दूसरा नेट भी स्टेबल नहीं है बहुत जगह। तीन चीजें समझ में आई? हाँ। इसको लेवल मैंने ऊपर किया और वन से कंपेयर किया। वन से क्यों कंपेयर किया? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट वन टाइम ही वापस मिलेगा, मतलब नो गेन नो प्रॉफिट, और वन से कम मिला, वन से कम नहीं मिल रहा है तो लॉस है। टोटल गेन कितना है? ठीक है, तो पहला वाला कॉस्ट प्राइस है वो 1.2 टाइम का है, ठीक है। दूसरा वाले के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 1.2 टाइम है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1.38 सी आएगा, ठीक है। तो इतना करने के लिए मुझे इसको कैंसिल आउट करने के लिए 1.2 और 1.38 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना टाइम से जा रहा है? 1 टाइम्स 1 ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 1.15 है, 1.15 मतलब 50%। दूसरा ट्रेलर है 50%। तो मुझे इस पूरे ओवरऑल स्टेज मुझे 1.3 / 1.2 ही करना है, और ये मुझे इतना आएगा उसे मिल जाएगा कि क्या मेन फैक्टर होगा यहाँ पे। प्रिया समझ आया? प्रिया हाँ समझ में आया? ये नहीं, पहला जो सेलर है, पहला जो बायर है वो एक कॉस्ट प्राइस पे वो खरीदा, ठीक है। तो पहला जो सेलर है वो 20% प्रॉफिट लिया, तो 20% प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस उसका कितना 1.2 सी होगा, क्योंकि 20% इंक्रीज करना है कॉस्ट से, ठीक है। जो दूसरा सेलर है, ठीक है, वो दूसरा सेलर जो सेल करता है उसके बाद जो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस है ना एज कम्पेयर टू दिस, वो 1.38 टाइम्स रहेगी। क्यों? क्योंकि टोटल गेन जो है 38% है, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उससे 38% ज़्यादा। तो 38% ज़्यादा करने का मतलब 1.38 कॉस्ट को 38% अप करना है। तो कैसे करेंगे? कॉस्ट में 1.38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो सेलर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ये वाला होगा, क्योंकि वो 20% ज्यादा सी से 20% ज्यादा पे करके भी आया है। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फॉर द सेकेंड सेलर। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे ये मिल जाएगा? तो इसमें सीधा सीधी जो इतना लाने के लिए मैं 1.38 से तो मल्टीप्लाई करूंगा ही, और इसको हटाने के लिए मुझे 1.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये है मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे ही मुझे पता चलता है मुझे परसेंटेज इंक्रीज ओवर दिस अमाउंट मुझे पता चल जाएगा। मतलब इस कॉस्ट प्राइस में हमने 1.15 मल्टीप्लाई किया तो 1.38 आया, राइट? इसलिए 15% है जो कि तुम्हारा गेन परसेंटेज है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, कोई कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 1.100, ठीक है, 38% 138 हो गया,
मैंने ऐसे ही बनाया लाइन पर. ठीक है, फिर पहला वाला सेलर जो है 20, ठीक है 120, 20% प्रॉफिट लेके किया होगा. ठीक है, तो ये जो है यहां से यहां कितना परसेंट ज्यादा है, तो 18 over 120